ज्ञानवापी प्रकरण में अदालत में एक पक्ष के न पहुंचने पर कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी गई। ज्ञानवापी प्रकरण में अदालत में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनवाई को 3 बजे तक टाल दिया गया था। सुबह शुरू हुई सुनवाई में एक पक्ष सिर्फ अदालत में पहुंचा था, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 2 बजे तक का समय दिया था। मिली जानकारी के अनुसार मामले में मंदिर पक्ष भी वन टाइम पार्टी बनकर सामने आया है। वहीं कहा जा रहा है कि केस वापस नहीं लिया जा रहा है। बताते चले कि अदालत के निर्देश पर श्रृंगार गौरी का सर्वे हो रहा था। अदालत के आदेश से होने वाले सर्वे में मस्जिद पक्ष को एतराज था। मस्जिद पक्ष ने सर्वे कमिश्नर के निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए सर्वे के पहले दिन ही अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। वहीं सर्वे में वादी मुकदमा का आरोप था कि उन्हें मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। न्यायालय में मैं अरुण कुमार त्रिपाठी एडवोकेट मैं उपस्थित हुआ और मैंने चंद्रशेखर से एक एडवोकेट की तरफ से वादी की तरफ से दरखास्त दाखिल किया कि यह मुकदमा केवल 4 व्यक्तियों का मुकदमा नहीं है, बल्कि काशी के समस्त हिंदू समाज के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुकदमा है और इसमें हमको भी पक्षकार बनाया जाए ताकि उसमें जो भी निर्णय हो वह विश्व के सभी हिंदुओं से आस्था से धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और वादी का भी प्रार्थी का भी उसमें धर्मनिष्ठा जुड़ी हुई है, इसलिए उसको सुनकर साक्ष्य लेकर आदेश किए जाएँ ताकि मल्टीप्लिसिटी या प्रोसीडिंग्स ना हो और मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट न हो और कोई भी एक अंतर्विरोधी अवरोधी आदेश विभिन्न मुकदमों में न होने पावे, इसलिए इसे सार्वजनिक वाद के रूप में हमें भी पक्षकार बनाया जाए और इसका निर्णय सुन के किया जाए। अरे पूरी हो जाने राकेश सिंह का या मेरा या मेरे किसी एडवोकेट का ऐसा कोई बयान नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राकेश सिंह का नाम लेकर इसलिए कि कुछ देश विरोधी शक्तियां विरोध मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रही हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रख रही हैं, अलग अलग बयान लेके अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल बिगड़े। एडवोकेट जो कमिश्नर है उनको लेकर के सुनवाई हो रही है, वो 2 बजे से 2 बजे सुनवाई है। नए सिरे से अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे, नया वकालतनामा डालेंगे, ये सब प्रक्रिया कितने दिन की होगी? वो बाकी मुकदमों की बात है, इस मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा अपनी तरफ से पूरी तरह पूर्ण रूप से चल रहा और चलता ही रहेगा। यथा आप लोगों का और प्रशासन का सहयोग मिला, ज्ञानव्यापी परिसर खुलेगा। राकेश सिंह इस केस में है अभी। राकेश सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर है और फाउंडर मेंबर होने के नाते भी राकेश सिंह का दायित्व है कि वह केस से बाहर नहीं जा सके। ये बातें कहां से आई? ये बातें मीडिया कंफर्म करें, मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा वो कंफर्म करें ये झूठी खबर, क्योंकि मेरी तरफ से केवल एक मैसेज वायरल किया गया था, विश्व काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमा वापस ले सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख। इसके अतिरिक्त उसमें तो हमारे कई मुकदमे हैं, किस मुकदमे और वो मुकदमा मैंने आपको बता दिया।